الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله شفاء القلوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، تین باتیں آج کی مجلس میں یہ عاجز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جاوے اور اگر ہم عمل کرنے لگے تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز یوں فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے۔ اس بات کو ذرا دھیان سے سنیے، دل کے کانوں سے سنیے اور عمل کی نیت سے سنیے، کیونکہ میرے عزیزوں زندگی جو بنتی ہے وہ عمل سے بنتی ہے۔ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے اور واٹس شاپ پر بھی بہت آتی ہیں، ہماری گیلری اچھی باتوں سے بھری پڑی ہیں، کتابیں الماریوں میں اچھی باتوں سے بھری پڑی ہیں، لیکن میرے عزیزو زندگی جو بنتی ہے وہ عمل کرنے سے بنتی ہے۔ میرے پاس بائک ہو اور تھیلی میں 10 لیٹر پیٹرول ہو اور بائک کے اندر پیٹرول نہ ہو، آپ بتاؤ بائک چلے گی؟ کوئی کہیں کہ تھیلی میں 10 لیٹر پیٹرول ہے، اگر 40 کی ایوریج ہوگی تو 400 کلومیٹر چل جائے گی؟ نہ نہ نہ، 4 کلومیٹر بھی نہیں چلے گی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ جو پیٹرول ہے وہ بائک کے باہر ہے، جہاں اس کی ضرورت ہے اس کی ٹنکی میں پیٹرول نہیں، اس وجہ سے بائک چلے گی نہیں۔ اگر 1 لیٹر پیٹرول میری بائک میں آ جائے گا تو پھر میرا سورت سے نوساری تک پہنچنا آسان ہو جائے گا، لیکن ٹنکی میں نہیں صرف باہر ہی باہر ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے تو 2 کلومیٹر بھی بائک نہیں چلے گی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ سارے اللہ والے تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور تہجد کی فضیلت ہم کئی دفعہ سنتے ہیں اور اللہ والوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان کا معمول ہے کہ کئی اللہ والے صبح صادق کے 1 گھنٹے پہلے، کئی 2 گھنٹے پہلے،
मशगूली के बावजूद, इतनी मसरूफियत के बावजूद, इतने इबादत गुजार होने के बावजूद, कई अल्लाह वालों से इजाजत मिलने के बावजूद, पूरी दुनिया में असफार करने के बावजूद, जवानी अल्लाह पर फिदा करने के बावजूद उनकी तहज्जुद नहीं छूटी, क्योंकि उनको पता है कि ये तहज्जुद का एहतमाम करने से अल्लाह मेरे मसाइल हल फरमाएंगे, अल्लाह मेरी दुनिया भी बनाएंगे और अल्लाह मेरी आखिरत भी बनाएंगे। जिसको तहज्जुद की नमाज की तौफीक हो, उसको पांच वक्त की फर्ज नमाज की तौफीक क्यों नहीं होगी? अल्लाह ताला जिससे खुश होते हैं उसे तहज्जुद की तौफीक अता फरमाते हैं। रात के आखिरी पहर में एक फरिश्ता ऐलान करता है, क्या ऐलान करता है? ऐलान ये होता है, हल मिन साइलिन फअअतियाला, हे कोई सवाल करने वाला के जिसको अता किया जाए, हे कोई सवाल करने वाला, हे कोई अल्लाह के सामने भीख मांगने वाला, हे कोई अल्लाह के सामने अपने दामन को फैलाने वाला, हे कोई परेशान हाल, वो अल्लाह देने के लिए तैयार है। और वो जो ऐलान करता है वो अल्लाह के हुक्म से ही करता है, अल्लाह के चाहने से ही करता है। और कितना एहतमाम कि अल्लाह ताला पहले आसमान पर तशरीफ लाते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, रात के आखिरी पहर में। और अल्लाह वाले, कई अल्लाह वाले आज बुढ़ापे में है, पूरी जिंदगी दीन की मेहनत करते रहे हैं, पूरी जिंदगी गुजार दी पढ़ने में पढ़ाने में, अल्लाह का नाम पूरी दुनिया में बुलंद हो जावे इस कोशिश में, इस फिक्र में, और पूरी दुनिया वालों को, हर फर्द बशर को, हर फर्द जिन को और उनकी कयामत तक के आने वाली नस्लों को, सबको अल्लाह हिदायत दे देवे, इसकी फिक्र में पूरी दुनिया के असफार के बावजूद, मुसाफिर होने के बावजूद, पूरी दुनिया में सफर के बावजूद, इतनी मेहनत, इतने मामूलात, इतनी कोशिश, इतनी कुर्बानी के बावजूद उनकी तहज्जुद की नमाज ना रह जाती। और तहज्जुद की नमाज छूट जाए तो बेचैन हो जाते हैं, सुबह उठकर पौन माफी मांगते हैं और कहते हैं, अल्लाह उससे क्या गलती हो गई कि मेरी आज तहज्जुद की नमाज ना रह गई। वो तहज्जुद की नमाज छूटने पर बेचैन हो जाते हैं और समझते हैं कि जरूर मुझसे कोई गलती हुई है। और हम लोग पूरा दिन कारोबार में, बिजनेस में, बहुत से लोग तो दुनिया के कामकाज में, न इतने ज्यादा कुरान शरीफ की तिलावत, न इतनी सब तस्बीह, न इतने सारे मामूलात, उसके बावजूद हम रात में मीठी नींद सो रहे थे। अच्छा वजह क्या है? तो कहा सबसे पहली वजह रात को लेट सोना है। जो बंदा रात को लेट सोता है आम तौर पर उसको तहज्जुद की तौफीक नहीं होती। जो बंदा रात गफलत में गुजारता है उसको तहज्जुद की तौफीक नहीं होती। नंबर तीन, जिसके सीने के अंदर कीना भरा हुआ होता है आम तौर पर उसको भी तहज्जुद की तौफीक नहीं होती। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी आया और आकर कहने लगा कि हजरत मैं चाहता हूं कि मुझे तहज्जुद की तौफीक हो जाए, आप बताएं कि मैं क्या करूं। हजरत ने फरमाया कि तू अपने दिन के कामों को संवार ले, अल्लाह तुझे रात में तहज्जुद की तौफीक अता फरमा देंगे। पूरे दिन में अमल को संवार ले, गुनाहों से बच, निगाहों की हिफाजत कर और गुनाहों से बचने की कोशिश कर, गीबत से बच, झूठ से बच, धोखा देने से बच, ताना देने से बच, अल्लाह को नाराज करने से बच, तो अल्लाह तुझे रात में तहज्जुद की तौफीक अता फरमा देंगे। मैं माओ बहनों से भी कहना चाहता हूं कि अक्सर औरतें अपनी सहेलियों के साथ, अपनी अम्मी के साथ बात करते हुए इतनी शिकायत करती है कि माँ मुझे ये परेशानी है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे ससुराल में ये हो रहा है,
मेरी सास के साथ मेरी नहीं बनती, मेरी नरन के साथ ये मामला है, मेरी भाभी के साथ ये मामला है, अम्मी कुछ समझ में नहीं आता, जिंदगी परेशानी में गुजर रही, टेंशन में गुजर रही। तो मैं एक सवाल पूछता हूं, आपकी ये अपनी अम्मी से और आपकी सहेलियों से बातें करते करते जिंदगी के 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, मुझे बताओ क्या परेशानियां कम हो गई, क्या आपके टेंशन कम हो गए, क्या आपकी परेशानियां कम हो गई, या टेंशन भी बढ़ गए, परेशानियां भी बढ़ गई, पहले हालात कम थे अब हालात बढ़ते चले गए। मेरी दीनी माओ बहनों, एकाश अगर रात में 2 रकात तहज्जुद की पड़ी होती, रात में 4 बजे का अदाराम रखा होता और अपनी मीठी नींद को आपने कुर्बान किया होता और कब्र में मीठी नींद की फिक्र की हुई होती और 2 रकात पढ़ के 4 रकात पढ़ के अगर आप अपने मौला के सामने, अपने खालिक के सामने, अपने मालिक के सामने, अपने पालनहार के सामने जो आप हाथ फैला देती और वो सारी बातें जो आपने अपनी अम्मी से कही, वो सारी बातें जो आपने अपनी सहेलियों से कही अगर अपने अल्लाह को कह देती तो आज तो आप बहारों में होते, जिंदगी गुजारने का मजा ही आ जाता। हम में से बहुत से लोग परेशान हैं, मुख्तलिफ वजह से लोगों की परेशानी जो है वो अलग अलग है। कोई कारोबार की वजह से परेशान है कि भाई कारोबार ठीक नहीं चलता, कोई नौकरी की वजह से परेशान है, कोई रिश्ते की वजह से परेशान है, कोई है जो शादी के बाद की जिंदगी तल्ख हो चुकी उसकी वजह से परेशान है। सबकी परेशानियां अलग अलग है, हर एक की कुछ न कुछ परेशानी होती है। किसी का सर दुखता है, किसी को शुगर है, किसी को टेंशन ज्यादा रहता है, और कोई है कि वो कुछ भी काम करने जाता है उसका काम पूरा ही नहीं होता, हर काम अधूरे रह जाते हैं। हर एक की परेशानियां अलग, हर एक के मसाइल अलग, हर एक का टेंशन अलग। हम भी दोस्तों से कहते रहे, सोचते रहे तो क्या परेशानियां खत्म हो गई? मेरा अजीज ना, सिर्फ सोचने से काम नहीं होता। मुझे अभी चाय पीनी हो और मैं सोचता रहूं कि चाय आ जाए, बताओ चाय आएगी? तो सोचने से परेशानियां खत्म हो जाएगी, फिर परेशानियां खत्म कैसे होगी? अल्लाह को राजी करने से, हुजूर के तरीकों पर चलने से। अगर कोई परेशान हो तो क्या करे? एक वजीफा अपने साथ ले जाए, एक वजीफा याद कर ले, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह पाक सॉरी, बारी ताला माफ कर देती है, सच्चे दिल से, जुबान सिर्फ जुबान से नहीं, दिल की हाजिरी से, नदामत से, सच्चे दिल से, अस्तग़फिरुल्लाह, 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 पढ़ने की आदत बना ले, चलते फिरते उठते बैठते पढ़ता रहे, सच्चे दिल से पढ़ता रहे, नदामत के साथ पढ़ता रहे, इंशाल्लाह अल्लाह हर मसले हल फरमा देंगे, हर बंद रास्ते खुले हुए नजर आएंगे और हर जगह इंशाल्लाह कामयाबी नजर आएगी। जिस तरह दुरूद शरीफ सारे अल्लाह वालों का मुत्तफ़का वजीफा है, इसी तरह इस्तिग़फार ये भी सारे अल्लाह वालों का मुत्तफ़का वजीफा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबी सैयदिना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रोजाना 12,000 मरतबा इस्तिग़फार फरमाते थे। आप अंदाजा लगाए, हुज़ूर के सहाबी सबसे ज्यादा रिवायतें जो बयान करते हैं, इतने ऊंचे दर्जे के सहाबी सैयदिना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, सहाबी होना ही कितनी बड़ी बात है, हुजूर की सोहबत का मिल जाना कितनी बड़ी बात है, और आप तो हुजूर के शागिर्द भी हैं, इतने ऊंचे दर्जे के सहाबी, और अल्लाह से माफी कितनी दफा मांग रहे हैं? फरमाया जब तक आप 12,000 मरतबा इस्तिग़फार पढ़ नहीं लेते थे वहां तक आप आराम नहीं करते थे। तकरीबन मालूम होता है कि रात सोने से पहले पहले आप 12,000 मरतबा इस्तिग़फार पढ़ लेते थे। पर हमारा हाल यह है
कि हमें 200 मरतबा इस्तिगफार पढ़ने की तौफीक मिले। मेरे अजीजों एक बात तय करो, ये जो मजलिसें होती है यहां से हमें कुछ लेके जाना चाहिए। बोलने वाला भी कुछ नियत करे और सुनने वाले भी कुछ नियत करे। सुनते सुनते और बोलते बोलते तो जिंदगी का एक अरसा गुजर गया। हमने कितने बयान सुने, हमने कितनी फजाइल अमल की तालीम सुनी और कितने अल्लाह वालों के बयान सुने। मेरा अज़ीज़ो अब वक्त है अमल करने का, अब वक्त है अल्लाह को मनाने का, अब वक्त है अपनी लाइफ को चेंज करने का, अब वक्त है हमारे नबी की नकल उतारने का और अब वक्त है आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारने का। बड़े खुशनसीब है वो हजरात जो आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारते हैं और जो जवान अपनी जवानी अल्लाह पर फिदा करते हैं, याजिज उनको दिल की गहराइयों से सलाम बरसाता है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा मुबारक काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा सौदा कर रहे हैं। अरे अल्लाह आपकी दुनिया भी संवारेगा, अल्लाह आपकी आखिरत भी संवारेगा और देखना अल्लाह कैसा बुढ़ापा, कैसा खुशहाल, अगर बुढ़ापा मिला तो कैसा खुशहाल आएगा और कब्र में गए तो फिर कैसा शानदार काम। कब्र कहेगी कि मेरी पुश्त पर जितने लोग चलते थे उनमें तू मुझे सबसे ज्यादा महबूब था, आज जब तू मेरे हवाले हुआ है तो तू मेरा उसमें सुलूक भी देखेगा, तू मेरा सुलूक भी देखेगा कि आज मैं तेरे साथ कितना अच्छा मामला करती हूं। मेरा अजीजो बड़े खुश नसीब है वो जो जवानी अल्लाह पर फिदा कर दे। यूं फरमाया कि इबादत का बेहतरीन वक्त अगर कोई है तो वो जवानी है। इबादत का बेहतरीन वक्त अगर कोई है तो वो जवानी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक आमाल करने की, बतौर खास अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की, नमाजों का एहतमाम करने की, कुरान शरीफ की तिलावत करने की, मस्जिदवार जमात में बैठने की, मुलाकातों में जाने की, गश्तों में जुड़ने की, हफ्तावारी इज्तिमा में शिरकत करने की और अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आज जोहर की नमाज के बाद एक बहुत बड़े बुजुर्ग से मुलाकात हुई। बहुत से लोग तो यूं कहते हैं कि शायद ये अबदार हो सकते हैं, पूरी जिंदगी दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत में गुजारते हैं। साजिश ने कहा कि हजरत उम्मत की फिक्र सही मानों में दिल में आ जावे इसके लिए क्या करना चाहिए। उमूमी तौर पर भाई हर एक के दिल में उम्मत की मोहब्बत आ जाए, हमारे दिल में आ जाए। मैंने कहा हजरत अपने दिल में उम्मत की फिक्र आ जाए, उम्मत का गम आ जाए, उम्मत का दर्द आ जाए। हमारे नबी अलैहिस्सलाम को जो उम्मत की फिक्र थी वो उम्मत की फिक्र अगर हमारे दिल में आ जावे उसके लिए क्या करना चाहिए। हजरत ने फरमाया एक आम सी मुबारक मेहनत अल्लाह ने चलाई है और वो है दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत। हजरत ने फरमाया अपने आप को उसमें जोड़ दो, अपने आप को उसमें जोड़ दो। कहा बेटा कई अल्लाह वालों ने, कई उलमाए किराम बड़े बड़े ऊंचे दर्जे के, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा, अपना जान, कितना माल और कितना वक्त अल्लाह के दीन के खातिर कुर्बान कर दिया, तब जाके आज कुछ रमक नजर आती है, वरना गफलत का एक माहौल और एक समा है। कहने लगे बेटा अगर वो अल्लाह वालों ने इस मुबारक मेहनत के खातिर अगर जिंदगियां कुर्बान नहीं होती, अगर अपना जान माल और वक्त अल्लाह के रास्ते में न लगाया होता तो आज मामला कुछ और होता। हजरत की बात से ये समझ में आया कि अगर हजरत ने यूं फरमाने लगे कि अगर अल्लाह वालों ने ये कुर्बानियां न दी होती इस मुबारक मेहनत के खातिर तो नौजवानों के चेहरे पर शायद दाढ़ी नजर ना आती, मदारिस में इतने तलबा नजर ना आते, इतने उलमा नजर ना आते, कितने उलमा
लम्बा है उनसे जाकर मिलो और पूछो कि आप आलिम कैसे बने। फरमाते हैं हमारे घरों में तो बिदत थी और बिदत का माहौल था। हमारे दादा हमारे अब्बा अल्लाह के रास्ते में गए और उनको समझ में आया, हक बात समझ में आई और वो अल्लाह के रास्ते में लगे, वो कुरान शरीफ के हलवे में बैठे, तो उनके दिल में ये बात आई कि हमें तो कुरान शरीफ नहीं आता लेकिन हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना कर लाए। तो कहा बेटा अगर ये मेहनत ना होती तो आज मदारिस आपको खाली नजर आते हैं, बहुत कम बच्चे होते मदरसों में, इतनी मस्जिदें आपको नजर ना आती, बैतुल्ला शरीफ में हज करने वाले इतने नजर ना आते। वही जो 25-30 साल पहले इमाम और मुअज्जिन होते थे फजर की नमाज में, वही नजर आता, दो सफे नजर ना आती, मस्जिदें खाली होती और ये मकतब में इतने सब बच्चे पढ़ते हुए आपको नजर नहीं आते, उम्मत का हाल बेहाल होता। तो कहा अल्लाह वाले ना होते, तो कहा अल्लाह वाले होते लेकिन उनसे जुड़े हुए लोग भी बहुत कम होते, जिस तरह पहले कम हुआ करते थे, पहले मदारिस के लोग तलबा को लेने के लिए जाते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आलम है कि इतने तलबा आते हैं कि मोहतरम साहब टेंशन में आ जाते हैं कि किसको ले और किसको न ले। बेटा इस मुबारक मेहनत की बरकत है, वरना एक एक के घर पे कौन जाता, एक एक के दर पे कौन जाता, वो शराब के अड्डों पर कौन जाता, वो बंजर बस्तियों में कौन जाता और वो बंजर इलाकों में कौन जाता और एक एक के दरवाजे को कौन खटखटाता और उन्हें ईमान की यकीन की और अल्लाह उसके रसूल की दावत कौन देता। एक एक बस्ती में 400-450 मकान है, हर मकान की तकरीबन मुलाकातें हो रही है महीने में 2 महीने में। बेटा ये मुलाकातें कौन करता और ये गश्तों में लोगों को जमा कौन करता, अल्लाह के रास्ते में कौन लेकर जाता। बेटा ये जो बहार नजर आ रही है सब लोगों की मेहनत है, हल्का वालों की मेहनत है, जमीयत वालों की मेहनत है, लेकिन बेटे तबलीग वालों ने भी एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अगर तू उम्मत का गम चाहता है, अगर तू उम्मत की फिक्र चाहता है, अगर तू उम्मत का दर्द चाहता है तो तू भी निकल अल्लाह के रास्ते में, देख जरा उम्मत का क्या हाल है, आज उम्मत का हाल बेहाल है। अभी हमारी 2 हफ्ते पहले 3 दिन की जमात गई एक इलाके में नौसारी, अल्हम्दुलिल्लाह एक शेखुल हदीस साहब भी उसमें तशरीफ ले गए, मदारिस की छुट्टियां हैं, एक घर में मुलाकात के लिए गए। घर में रहने वाले 6 बालिग मर्द, एक का भी इस्लामी नाम दे, एक का भी इस्लामी नाम दे। पूछा आपका क्या नाम, तो तकरीबन बताया कि मेरा नाम गौतम। और घरों में मूर्तियां रखी हुई, कहा ये क्यों रखी है, तो कहा कि हमारे घर में ये है, वो कुछ भी मांगना हो इनसे ही मांगते हैं। तो कहा आप मुसलमान हो, कहा मुसलमान है। बहुत ताज्जुब हुआ, नमाज का वक्त हुआ, शेखुल हदीस साहब ने कहा नमाज पढ़ लो, कहा ना हम तो आप पढ़ लो, बोले नमाज हम नापाक है, बोले नहीं नमाज पढ़ लो, बोले ना हम नापाक है, हमने फर्ज गुसल किया ही नहीं है कई वक्त से अभी तक किया ही नहीं। उनका बहुत दिल दुखा, करीब की बात कर रहा अभी 2 हफ्ते पहले, कहा कि भाई आप गुसल कर लो, कहा गर्म पानी नहीं है। एक साथी थे उन्होंने कहा हम गर्म पानी कर लेते हैं, वो जंगली इलाके में गर्म पानी किया और उन्होंने गुसल किया, साथ में नमाज पढ़ी। मशवरा हुआ कि कुछ पर्दे में कुछ बात मस्तूरात भी सुन ले, लोगों ने कहा कि हजरत आप ही कुछ बात कर लो, क्योंकि आप जो बातें करेंगे उनकी मस्तूरात को अगर समझ में आ गई तो हजरत ये घर बच सकता है, वरना इनका ईमान पर रहना, ईमान की हालत में दुनिया से जाना ये मुश्किल नजर आता है, ये तो हाजत रवा किसी और को समझ रहे, ये तो मुश्किल कुशा किसी और को समझ रहे, इनके घरों में तो मूर्तियां है, इनके घरों में तो ये रहनुमा की तस्वीर है। हजरत ने कहा भाई आपकी मस्तूरात को भी एक तरफ जमा करो। वो शख्स आए कहा हजरत हमारे घर की 2 बहू वो यूं कहती है कि हम मुसलमानों के पास सुनना नहीं चाहते, आप मुसलमान नहीं हो, हम मुसलमान हैं, फिर मुसलमानों की बात सुनना नहीं चाहते, कहा समझाओ मैं, कहा कि आप जाके समझाओ, वो किसी हाल में भी समझने के लिए तैयार,
अब एक बाप है, एक बेटा है, एक बेटा कुछ काम के लिए गया है, उसकी माँ है, हजरत ने उनके सामने सारी बात रखी, उनकी आंखें खुली, उन्हें ईमान समझ में आया, उन्हें यकीन समझ में आया। आप मुझे बताओ ऐसे बंजर इलाकों में कौन जाएगा, ऐसी जगहों पर कौन जाएगा? मेरे अजीजों, हमें अल्लाह के दीन के खातिर कुर्बानी देनी है, हमें भी जो है अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना है। उम्मत की फिक्र इंशाल्लाह आएगी जब उम्मत का हाल देखेंगे। इससे पहले भी आपको सुनाया कि कर्नाटक में जिम्मेदारों की एक जमात चल रही थी, एक शख्स से पूछा गया कि हमारे नबी का नाम किया तो उसने नादा दी। अब जब उम्मत का ये हाल हो, उम्मत इस दर्जे गिर चुकी हो, मैं खुद एक जमात में चल रहा था, एक 70 साल की उम्र के एक शख्स, 5 उनके बच्चे और उनको गुस्ल के फराइज याद हुए, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, मस्जिद में भी आ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, नमाजी है लेकिन गुस्ल के फराइज याद रहे। अब बताओ उन्होंने फर्ज गुस्ल ही नहीं किया होगा तो क्या उनका मस्जिद में आना सही है? क्या जुनूबी आदमी मस्जिद में आ सकता है? फिर उनकी नमाजों का किया, उनकी सारी जिंदगी का किया? एक बहुत बड़ा तबका गफलत में है। फैक्ट्रियों में देखो कितने लोग हैं, नमाजों का कोई एहतमाम नहीं, इनके पास कौन जाएगा? ये जोन की मुलाकातों में कौन जाएगा? मेरा अज़ीज़ो, अल्लाह ताला ने बहुत ही मुबारक मेहनत जो है ये चलाई है, और ये है दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत। हमारा जी चाहे ना चाहे, हमें समझ में आए ना आए, हजरत जी मौलाना इलियास साहब को समझ में आ गई थी, हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब को, हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब को, हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को, हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह को, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को, ये हमारे अकाबिरीन जो बड़े बड़े गुजरे, उनकी सारी जिंदगियां जो है ये मुबारक मेहनत को करते करते और दीन के दूसरे काम करते करते गुजरी है। मेरे अजीजों, समझ में आवे ना आवे, आसान शक्ल ये है, हम अपने आप को तालिब-ए-इल्म बनाकर छोटा समझकर इस मुबारक मेहनत से जुड़ जाए। इंशाल्लाह जब ईमानी मुजाहरों में बैठेंगे, ईमान बढ़ेगा, बढ़ता हुआ ईमान आमाल पर खड़ा करेगा। जब ईमान बनेगा और हम अच्छे अमल करेंगे, हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत होगा, फिर क्या होगा? अल्लाह मिलेगा। तो जिसके पास रब है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास रब नहीं उसके पास कुछ नहीं। अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, और अल्लाह न मिला तो कुछ न मिला। तो मेरे अजीजो, बात यहां से चली थी, तय करें इंशाल्लाह पूरी जिंदगी दीन की मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन तय करता है? समझ में आवे तो भी करेंगे, ना समझ में आवे तो भी करेंगे, और हर हाल में करेंगे। कभी भी साथियों को मत देखना, जो साथी को देखेगा वो काम छोड़ देगा, नुकसान अपना ही करेगा। किसका काम है, किससे मिलाने वाला काम है वो देखेगा, मौत तक छोटा बन के करता रहेगा। हमारे साथ जो मस्जिद वाल जमात में बैठने वाले, गश्तों में जुड़ने वाले, जमातों में जाने वाले, ये सब फरिश्ते नहीं है, ये सब इंसानी है, और इनसे भी गलती हो सकती है, और इनसे भी गलती होती रहेगी। हमें चाहिए कि हम किसी के ऐप को न देखें, एक आंख से अपनी ऐप देखें और दूसरे आंख से सब की खूबियां देखें। जब अपने ऐप देखेंगे, अपनी नजर में गिरेंगे, मेरे अजीजों जितने अपनी नजर में गिरते जाएंगे खुदा की नजर में चढ़ते जाएंगे। और अगर अपनी नजर में चढ़ गए और अपने आप को नेक समझ लिया, अपने आप को अच्छा इंसान समझ लिया, अपने आप को मुस्लिह समझ लिया, और अपने आप को समझ लिया कि अब मैं भी कुछ हो गया हूं, मेरे अजीजों इतने गुनाहों के बावजूद, इतने गफलतों के बावजूद आज हम लोग ये जो इज्जतों भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये मालिक का करम है, एहसान है, उसका फजल है। अगर वो हमारे गुनाहों पर से सत्ताई की चादर हटा दे, हमारे गुनाहों को लोगों के सामने जाहिर कर दे, हमारे गुनाहों की बदबू लोगों के सामने जाहिर कर दे, मेरा अजीजों माँ बाप घर में रखना पसंद न करे और हम मस्जिद में आवे, ये मस्जिद भले पसंद करे। ये अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ने गुनाहों पर सत्ताई की चादर डाली हुई है,
उसके सदते में आज हमें इज्जतों भरी जिंदगी नसीब है। मेरा अजीजो, हमारे गुनाह कितने हैं, हमने कितने गुनाह किए, कितना अल्लाह को नाराज किया, हमारी तन्हाइयां कैसी गुजरी और हमारी आंखें काबू में नहीं, हमारे कान गीबत के सुनने से काबू में नहीं, हमारी जुबान कितनी दफा फिसल जाती है। तो क्या हम थोड़े बहुत नेक आमाल की वजह से अपने आप को कुछ समझे और कुछ समझ कर जिसको राजी करने के लिए मेहनत कर रहे हैं उसी अल्लाह की नजर से गिर जाए, तो फिर तो दुनिया भी बर्बाद है, फिर तो आखिरत भी बर्बाद है। दीन की सारी मेहनतों से ये चाहा जाता है कि इंसान हमेशा अपने आप को छोटा समझे, सच्चे दिल से और अल्लाह की मोहब्बत में आगे बढ़ता रहे। तो मेरा अजीजो, अल्लाह की नेमतों पर गौर और फिक्र करने से अल्लाह की मोहब्बत में इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है। अल्लाह ने आंखें दी, कितनी बड़ी नेमत है, इसको सोचेंगे तो अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी। कितने लोग हैं जो नाबीना है, मांगने वाले कितने आते हैं जिनको आंख से नजर नहीं आता। अभी तो कितने नाबीना लोग अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाते हैं, कितने लोग हैं जो बेचारे सुन नहीं सकते, कितने लोग हैं जो बेचारे बोल नहीं सकते, गूंगे हैं, बहरे हैं। और अजीब बात, अल्लाह जब अपने दीन का काम लेना चाहता है तो गूंगे बहरों से भी ले लेता है। तलब हो, दर्द हो, वो काम लेने में किसी और का मोहताज नहीं, वो काम लेना चाहे तो गैरों से भी ले लेता है। बीजापुर जो मरकज है, जामा मस्जिद बीजापुर की, वो शिया बादशाह ने बनाई है और आज तबलीग का मरकज है। वो चाहे तो शिया से काम ले ले, वो चाहे तो काफिरों से काम ले ले, अल्लाह ने जिसको नेक बनाया है और कुछ दर्जे में भी अल्लाह उससे काम ले रहा है, उसको हमेशा तवाज़ू करनी चाहिए और तवाज़ू करनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते रहना चाहिए। इसको अपना कमाल हरगिज ना समझे, बल्कि अल्लाह का फजल समझे और अल्लाह का करम समझे और हमेशा ये तसव्वुर करे कि मैं इस काबिल कहाँ था, ये तो मालिक ने एहसान कर दिया, करम फरमा दिया कि अल्लाह ताला हम छोटों से इतना मुबारक मेहनत का काम ले रहे। तो मेरा अजीजो, अल्लाह की नेमतों में गौर व फिक्र करने से अल्लाह की मोहब्बत में इजाफा होता है। मैं कहीं ऐसे को जानता हूँ जो सुनने और बोलने से माजूर है और उनके माँ बाप 25-25, 30-30 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं, आज तक बच्चे न बोलने के काबिल हुए हैं न सुनने के काबिल हुए हैं। माँ बाप बेचैन परेशान, कितने ख्यालात माँ बाप को सताते हैं कि हमारे बच्चों की जवानी कैसे गुजरेगी, इनको लड़की कौन देगा, इनकी शादी कहाँ होगी, इनका बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। खैर वो तो जो मुकद्दर में लिखा हो वो होगा, लेकिन माँ बाप को बच्चों की एक फिक्र वो सताती है। कितने इलाज कर रहे हैं, उसके बावजूद कोई इलाज कारगर नजर आता नहीं। और हम हैं आंखें भी सही सालिम, इस्तेमाल गलत, जुबान भी सही सालिम लेकिन इस्तेमाल गलत, कान भी सही सालिम लेकिन इस्तेमाल गलत। जरा तन्हाई मिल जाए, जरा कुछ बदनजरी का मौका आ जाए तो बंदा उसमें कोई दरेर नहीं करता, खुले दिल से बदनजरी कर लेता है, अपनी आखिरत को बर्बाद करता है, अपने राज अपने मालिक को नाराज करता है। इसलिए जो बंदा बदनजरी करता है, सबसे पहली दुनिया में सजा यह है कि बेचैनी का शिकार होता है।